में रंग बदलती है। भरोसा नहीं किया जा सकता आप पर। बेवकूफ हूँ मैं जो बार बार आप पर भरोसा करती है। आपको क्या पता जी, माँ की ममता क्या होती है। मेरा बच्चा इतनी बड़ी मुसीबत में और मैं बोलूं भी नहीं। 20 करोड़ के लिए अपने बेटे को बेचने वाली माँ जब ममता की बात करती है ना, तो शोभा नहीं देती। So just don't give me that crap. और अब प्लीज थोड़ी देर चुप रहिए। मुझे सोचने दीजिए कि मुझे करना क्या है। I have to make sure कि रवि को चोट ना पहुंचे। रवि has to be safe. मुझे किसी भी तरह से पता करना होगा कि वहां क्या चल रहा है। कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। चोट तो नहीं लगी, तुम एकदम ठीक ठाक हो ना? माता रानी का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें कुछ नहीं, कुछ नहीं हो मेरी बच्ची को। छोड़ रुक जाओ, ताकि को छोड़ो। रवि, रवि प्लीज मैं कहता हूं, छोड़ दो प्लीज, तुम उसी को मेरे पास दो। रवि, रवि तुम्हें मेरी कसम है, छोड़ो बंदूक। हां देविका, तुम सच कह रही हो। सिर्फ तुम्हारे लिए देविका, मैं इस कमीने साकेत को छोड़ रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ देविका, इसलिए आज मैं छोड़ रहा हूँ इसे। तुम ही मेरी देविका, मेरी अंबिका हो, मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो, सिर्फ तुम। ले जाओ। मिस्टर अग्रवाल, आपको भी गिरफ्तार किया जाता है। मेरे रोकने के बावजूद भी आप दोनों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। अगर गलती से गोली चल जाती तो किसी की जान जा सकती थी। अगली कार्रवाई थाने में होगी, ले चलो इसे। अरे विकास जी, ताने बाने छोड़ के, मजाक मस्ती छोड़कर आप चुप करके यहाँ बैठे हो। अरे ऐसे लग रहा है आपकी तो जुबान किसी ने छीन ली हो। ओ हेलो, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सब ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, उस सब का कारण तुम हो। अरे तुम्हें अंदाजा भी है जरा सा कि ऐसा करके तुमने हम सबको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है? पर मैंने ऐसा किया क्या है? तुमने अपने भाई साकेत को फोन करके यहाँ अंबाला नहीं बुलाया था निवेदिता का घर खरीदने के लिए? अब देख लो नतीजा। अरे तुम्हारे उस भाई ने अंबिका का किडनैप कर लिया है। ये सोचकर किडनैप किया कि वो अंबिका नहीं देविका है। और अब वो बेचारी अंबिका बिना किसी कारण के उसके चंगुल में फंस गई है। ऊपर से रवि उसे बचाने के लिए गया और अब उसकी जान को भी खतरा है। मेरे बेटी ने अंबिका को किडनैप कर लिया। श्वेता, ये ज्यादा ना भोले बनने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें पहले से सब कुछ पता है। और वो तुम्हारा भाई गुंडों का सरताज, उसने तुम्हें जरूर पहले से सब कुछ बताया होगा कि अब वो क्या करने वाला है। इसीलिए उस दिन वो यहाँ घर पे आया था ना, और मुझे उसने कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था ताकि तुम दोनों भाई बहन मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी पका सको। हाँ, मेरी बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो। अगर इस बार अंबिका को या रवि को कुछ हुआ ना, तो मैं तुझे बख्शने वाला नहीं हूँ, फिर तुझसे मैं अपना रिश्ता तोड़ दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि ये सारी फसाद की जड़ सिर्फ तुम हो। पर विकास, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे मैं तो ये भी नहीं जानती कि वीर जी ने अंबिका को किडनैप किया। मैं कब से उनको फोन मिला रही हूँ, वो मेरा फोन भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस बार रवि को और अंबिका को कुछ नहीं होना चाहिए। विकास भाई, श्वेता भाभी, आप लोग जल्दी से नीचे चलिए। वो टीवी पे न्यूज आ रही है कि पुलिस ने साकेत को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? अंबिका को किडनैप करने के लिए और उसे जान से मारने की कोशिश करने के लिए ये सब कुछ टीवी पे दिखा रहे हैं। आप लोग प्लीज जल्दी से नीचे चलिए। और चलो प्लीज। अंबाला के एक बड़े नेता साकेत कपूर को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। साकेत कपूर ने शहर की बहुत बड़ी हस्ती श्रीमती जानकी रायचंद की बेटी अंबिका का अपहरण किया। इतना ही नहीं, वो जबरदस्ती उनसे शादी रचाने की कोशिश में पकड़े गए। पुलिस ने सही वक्त पर आकर अंबिका रायचंद को बचा लिया। और साथ में ये देखिए, रवि ग्रेवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि पुलिस ने साकेत कपूर और रवि ग्रेवाल दोनों को गन के साथ लड़ते हुए देखा, तो इस वक्त ये दोनों शक के दायरे में हैं और दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जा रहे हैं। What is this nonsense? ये पुलिस वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे कैसे रवि को गिरफ्तार कर सकते हैं? रवि ने तो कुछ किया भी नहीं है, वो तो किडनैप करने थोड़ी गया था, उसे छुड़ाने गया था। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज होती है या नहीं? That's it. I'm not gonna let this happen. मैं भी रवि को छुड़ा कर लाती हूँ। जी आप तो रहने ही दो, अब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सब आप ही की गलती का नतीजा है। पहले सोचना चाहिए था सही क्या है गलत क्या है। अब तो चला गया ना मेरा पुत्र जेल आपकी वजह से,
क्या मतलब दीदी? इसकी वजह से सब कुछ इसकी वजह से हुआ है. शी इज द रियल कल्प्रिट. अभी तक क्यों हो तुम यहां पर? हाँ, अभी तक गई क्यों नहीं? बोलो, इसको क्या लगता है कि मैं नहीं जानती? यू आर ब्लडी बैकस्टैबर श्वेता. तुमने जो किया है ना, सबके सामने आ गया है. तुम भी शामिल थी ना अपने भाई के साथ इस सब में? टेल मी, देखो तुम्हारे भाई ने किया क्या है और उसकी वजह से मेरा रवि भी फंस गया है. कितनी बड़ी मुसीबत में आ गया है वो. मैंने कुछ भी नहीं किया. छोड़ूंगी नहीं तुम्हें और तुम्हारे भाई को. मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने उसे फोन करके बताया अंबिका के बारे में. तुम्हें कहा ना उसे अंबिका देविका जैसी दिखती है, इसलिए सब कुछ छोड़कर वो अंबाले चला आया. उसने अंबिका को किडनैप भी कर लिया, इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया और रवि को मुसीबत में डाल दिया. यू एंड योर ब्रदर नो एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं. एक जैसा खून, एक जैसी गंदगी. सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो. तुम्हारे लिए रिश्ते नाते कुछ मायने नहीं रखते. अच्छी तरह से जानती हूँ पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ है ना श्वेता, उस सबके पीछे तुम हो. मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी श्वेता. ये तो आग बनकर बरस रही है मुझ पर. कैसे बचूंगी इसके गुस्से से? अगर अपनी सफाई में कुछ बोलती हूँ तो और भड़क जाएगी. आज श्वेता की इतनी बेइज्जती हो रही है, लेकिन इसमें गलती भी तो इसी की है ना. कितनी बार समझाया मैंने इसे कि निवेदिता के पैसों के जाल में मत फंसा कर, लेकिन ये है कि मानती नहीं है. कोई बात नहीं, श्वेता को कुछ ना कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी. सच्ची तो है, ये नामुराद जरूर अपने भाई से मिली हुई है. तुम बहुत बड़ी एहसान फरामोश हो. यू नीड टू गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ. चलो निकलो, निकलो. मैं बेकस हो रहा हूँ. मुझे तो ये भी नहीं पता कि वीर जी ने अंबिका को किडनैप किया है. मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे तुम्हारी एक भी बात का विश्वास नहीं. यू अंडरस्टैंड दैट मम्मी जी? शट अप. मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है. डोंट टॉक टू मम्मी जी. मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी. आई डोंट वांट यू इन दिस हाउस. ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये मेरा घर, ये मेरा परिवार है. मम्मी जी मैंने नहीं जाना. मम्मी जी, मम्मी जी कुछ तो बोलिए. मैंने चल मम्मी जी कुछ बोलिए. गेट आउट. विकास कुछ बोलिए. लेकिन बेटा अब तो सब कुछ ठीक है ना? चलो अब थोड़ा सा आराम कर लो. लेकिन माँ आपको पता है बहुत बुरा हाल था उस वक्त मेरा. इतना डर गई थी मैं, इतना घबरा गई थी. ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है. आखिर बार बार मुझे अपना घिनौना प्यार दिखा रहा था, बार बार धमकियाँ दे रहा था मुझे, और मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी, कुछ कर भी नहीं पा रही थी. बस यही सोच रही थी कि काश कोई आ जाए और मुझे वहाँ से बचा ले. लेकिन कोई नहीं आया. मेरी सारी उम्मीदें टूटने लगी. माँ मुझे लग रहा था कि बादशाह की कोई किरण नहीं बची है. लेकिन माँ फिर मुझे आपकी बातें याद आई. आप हमेशा मुझे समझाती रहती हो ना कि मैं अंबे माँ का अंश हूँ, तो मुझे हर बुराई का डटकर सामना करना चाहिए. कभी भी बुराई से घबराना नहीं चाहिए. और आपने मुझे समझाया कि अगर कोई अत्याचार करे तो उस पर वार करने में कोई बुराई नहीं. और मैंने ऐसा ही किया माँ. सिर्फ आपकी वजह से मुझमें इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उस गठबंधन को तोड़कर साकेत का सामना किया, बिना डरे, बिना सोचे कि वो क्या कर सकता है. और इसीलिए शायद आज मैं बच गई, वरना वो मुझसे शादी कर ही लेता. रवि के आने से पहले हम दोनों के फेरे हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. थैंक यू माँ, आपने हमेशा मुझे इतनी अच्छी बातें सिखाई हैं. माँ मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ. और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ बेटा. तुम नहीं जानती कल की रात मैंने कैसे काटी है. एक पल के लिए ऐसे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी में फिर से खालीपन आ गया है. लेकिन माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तुम्हें मुझे फिर से सही सलामत लौटा दिया. मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी, जीने की चाह लौटा दी. चलो बेटा जाकर माता रानी का आशीर्वाद ले लेते हैं. उन्हीं की वजह से यह सब कुछ हो पाया है आज. हाँ मां.